आपो बनाना है ना, आपो, तो ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि आप टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस कामों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्टेबल कामों में कर रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल कामों में कर रहे हैं। किसका काम है प्रेडिक्टेबल काम करना, किसका काम है अनप्रेडिक्टेबल काम करना, और अगर आप नहीं कर रहे हैं जो भी आपको करना है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। और यहां से हम लोग आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से आपका टाइम को कैसे वापरना है और आपका प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि आप 10, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटा काम करते होंगे, लेकिन क्या आप प्रोडक्टिव है? तो प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें हम लोग बताएंगे। और ये जैसे ही आपको समझ में आ गया, आप बन जाएंगे चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर। नॉट ओनली आप खुद चीफ प्रोडक्टिविटी ऑफिसर बनेंगे, आपको प्रोडक्टिविटी का परिभाषा जो है, आपको प्रोडक्टिविटी का जो समझ है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो इमीडिएट सबॉर्डिनेट, अगर एक वाइस प्रेसिडेंट है या सीईओ है या मैनेजर है या जीएम है या जो भी है, उसका प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, ये बात की भी आप समझ को बढ़ा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा ना अनप्रेडिक्टेबल, आप कोई भी एंटरप्रेन्योर को ले लो, सैंपल साइज ले लीजिए, आप भारत में भ्रमण कर लीजिए, ईस्ट से लाइए, वेस्ट से लाइए, नॉर्थ से लाइए, साउथ से लाइए, या बाहर जाइए आउट ऑफ इंडिया, और उन एंटरप्रेन्योर को पूछिए आपका दिन का एक्टिविटीज, वो क्या करते हैं दिन भर, जो भी वो कहेंगे, मेरा दावा ये कि उनके उस लिस्ट में ज्यादातर 95% से ज्यादा सिर्फ प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज होगा, और वो कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि इनको अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटी क्या है इसका भी भान नहीं है, क्योंकि उस रोज की जिंदगी में वो इतने त्रस्त है और इतने स्ट्रेस्ड है और इतने मशरूफ है कि अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटी होता क्या है जो एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर करना चाहिए वो जानते नहीं है, और इसीलिए कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी होता ही नहीं है। एब्सोल्युटली, इसीलिए वो रिस्क नहीं ले पाता, डर जाता है, क्योंकि वो काम में कर रहा है जो एक मैनेजर को करना चाहिए। तो कैसे इससे निकलना है इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम हमेशा बोलते हैं आपका कंपनी का सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स कौन है, तो आप हैं आपके कंपनी का सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स। अब ये जो आप है, आपका सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स क्या है, वो है आपका टाइम, और आप कहां उसको डाल रहे हैं, किस चीज में डाल रहे हैं, क्या प्रेडिक्टेबल कामों में डाल, ये सब चीजें चर्चा होगी ये वाला।